ये मैच का टर्निंग पॉइंट है भाई, गलत टाइम पे विकेट यार, और यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ भाई साहब, शादाब भी गया भाई साहब, अब कौन रन्स बनाएगा आज। तो मैं बोल रहा था भाई रन्स चाहिए, और छक्के के साथ शुरुआत यहाँ पे रिजवान ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू लाइव रिएक्शन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, वो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। तो बहुत सारे लोग चाहते थे और मैं भी चाहता था पर्सनली कि इंडिया पहुंच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं पहुंचा। तो आज है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में बड़ा मुकाबला। तो बारिश के भी इनकम है, लेकिन फिलहाल टॉस हो गया और इंग्लैंड ने टॉस जीत के उनको करनी है बॉलिंग और पाकिस्तान को करनी है बैटिंग। दैट मीन्स पाकिस्तान को टारगेट बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, तो मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और उसके बाद मैच स्टार्ट होगा, तो बहुत मजा आने वाला है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। तो भाई साहब यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, आज पता नहीं क्या होगा मैच में भाई साहब, काश इंडिया होता तो अलग ही मजा होता। क्या लगता है जो क्यों तो दोनों बैट्समैन तैयार है भाई साहब, कम से कम 200 टारगेट देना है। ओ भाई साहब, ओ तो यहाँ पे पहली बॉल नो बॉल और फ्री हिट, क्या ही स्टार्ट हुआ है भाई साहब। भाई साहब फ्री हिट यहाँ पे मिस हो गई। तो बाबर पहली गेंद पकड़ेंगे फाइनल में भाई साहब, हार्ट अच्छे द्रुप द्रुप घसा। ओ ट्रेवर मकले रन गई शरा हार्ट अच्छी गसान कुदो स्कोर छ करन आजो सतत कैरिकुस इफ्तिखार। तो मैं बोल रहा था भाई रन्स चाहिए, और छक्के के साथ शुरुआत यहाँ पे रिजवान ने, अपना फेवरेट शॉट, लेकिन कितना बड़ा छक्का है भाई, याव राज जी को 83 मीटर। तो आज तीसरी बार सेम आउट हो गए, इसको कहते हैं बैड लक, इसको बोलते हैं बदकिस्मती। और यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ भाई साहब, भाई छक्के बड़े आज, जोर लगाना पड़ेगा। तो अंदर थोड़ी बहुत टेंशन हो गई, तो अभी 10 ओवर के बाद स्कोर है 68 और आउट हो गए 2। तो अगले जो 10 ओवर है इसमें कम से कम 100 रन बनाने पड़ेंगे, तभी फाइटिंग स्कोर होगा। देखते हैं क्या होगा, मुझे तो लगता है 160 170 हो जाएंगे, बाकी देखते हैं। ओ भाई साहब शान भाई, क्या शॉट है, ये मैच का टर्निंग पॉइंट है भाई, गलत टाइम पे विकेट यार भाई साहब, मोमेंट चेंज हो गया, मेडन आवर बार बार हो गया भाई साहब। मुझे लगता है थोड़ा सा मूवमेंट वहां पर, बड़ा शॉट, एक और विकेट, शादाब भी गया भाई साहब, अब कौन रन्स बनाएगा आज। बटलर अभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैच अभी जीतना बाकी है। शाहीन आफरीदी नई गेंद पर इन कंडीशन में। तो एक इनिंग हो गई कंप्लीट और पाकिस्तान ने बनाए 137, तो इजीली 160-150 हो जाते, लेकिन लास्ट के 5 ओवर अच्छे से नहीं खेल पाए। तो मुझे तो अब मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा, अब 1992 की हिस्ट्री या तो कायम रहेगी या वो टूट जाएगी, मुझे लगता है कि अब टूट जाएगी, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा कम है। खैर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी दूसरी इनिंग होने वाली है, देखते क्या रहता है। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ क्या बॉल है यार,
देखिए भाई टू बी ऑनेस्ट बॉल देख के मतलब शॉक हो गया एलेक्स हेल्स और हम भी, क्या बॉल थी, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो गेम है और एक ट्विस्ट आ गया, दूसरा विकेट, गेम अभी भी ऑन है भाई। काश 160 लगाते स्कोर, काश। और ये यहाँ पे मैच का टर्निंग पॉइंट, ओ भाई साहब मजा। को ओ भाई तू कहाँ था? मैं था ननिहाल। ननिहाल मैं चहुआर। अपुस। तो ये आज 5 दिन के बाद ननिहाल से आया और आज फाइनल था। तुम्हें पता है मैच की पोजीशन? ये मत बोला करो। तो अभी पावर प्ले हो गया खत्म और इंग्लैंड का स्कोर है 49 और 3 विकेट हो चुके, स्कोर कम हो गया। लेकिन जिस तरीके से फाइट पाकिस्तान दे रहा है बहुत जबरदस्त, लाजवाब। और ये भी घर आ गए, अब देखते हैं इसका इंग्लैंड हार रहा क्या हुए मेरे खुदा। ओ क्या ओवर है यार, बहुत जबरदस्त ओवर है, क्या ओवर है। और यहाँ पे चौथा झटका, ओ भाई साहब कुछ तो कर इस मैच में भाई। ओ भाई यो स्मूथ बोट आउट, शिट। ओ भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया, बहुत लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए बॉडी की उतनी कम। दो नारम पुंच। ओ भाई क्या ही फाइनल है भाई, शहनशाह अफरीदी ऊपर गया, जख्मी हो गए भाई, अब क्या हो गया मैच को, क्या बनेगा भाई, किस्मत क्या है यहाँ पे यार। शहनशाह अफरीदी जख्मी हो गए, ओ भाई साहब क्या ही फाइटिंग मैच था यार, बहुत जबरदस्त मैच। तो मैच हो गया खत्म और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस बन गए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट दी, लाजवाब, क्या ही बॉलिंग की। और आपको पता ही है टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, शहनशाह अफरीदी जख्मी हो गए और उसके बाद मैच हाथ से चला गया। लेकिन हारिस रूफ, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, मतलब क्या ही बॉलिंग है यार, दिल जीत लिया सीरियसली। खैर ये मैच में होता रहता है, लेकिन फाइट क्या हुई मैच में आपको पता ही है। खैर अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे पाकिस्तान तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। खैर इस लाइव रिएक्शन के लिए इतना है, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। और आज मैं 1% भी अपसेट नहीं हूँ क्योंकि मैच में इतनी अच्छी फाइट हुई और बेन स्टोक्स ने आज फिर से अपने दम पे मैच जिताया है। लेकिन काश शहनशाह अफरीदी जख्मी नहीं होती तो कुछ और ही होने वाला था, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।